एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे DIY सीमलेस नॉटेड बेबी कैप, जिसे बनाने के लिए मैंने स्ट्रेचेबल फैब्रिक का यूज़ किया है। और इस कैप को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। 5 मिनट के अंदर आपकी ये बेबी कैप बनके रेडी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक फैब्रिक, जिसे मैंने 2 फोल्ड में रखा है और टेम्पलेट की मदद से मैं इसे कट कर लूँगी। ये टेम्पलेट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम टेम्पलेट की शेप में इसे कट कर लेंगे और एक के ऊपर एक रखकर इसे स्टिच कर देंगे। याद रहे, हमें फैब्रिक फ्रंट टू फ्रंट रखना है। फ्रंट टू फ्रंट रखकर इसे हम स्टिच करेंगे। अगर आपके पास स्ट्रेचेबल फैब्रिक नहीं है तो दूसरे कोई भी टाइप के फैब्रिक की मदद से भी आप इसे बना सकते हैं। मैंने स्ट्रेचेबल फैब्रिक इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो इजी टू वेयर होता है और बनने के बाद इसकी कैप बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है। जैसे रेडीमेड कैप्स होती है, ये बिल्कुल उसी तरीके का लुक देता है। स्टिच हमने कर लिया है, अब हम इसमें नॉचेस लगा देंगे। ये नॉचेस हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम इसे टर्न करें तो इसमें फिनिशिंग नज़र आए टर्न होने के बाद में। सो ये स्टेप कभी मत स्किप कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की अमेजिंग एंड इजी स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। अब हम बेबी कैप को राइट साइड पे टर्न कर लेंगे और ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हम 4 फोल्ड पे एक फैब्रिक लेंगे और टेम्पलेट की मदद से टेम्पलेट की साइज़ का इसे कट कर लेंगे। जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया है, आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसे फोल्ड करना है और टेम्पलेट की मदद से कट कर लेना है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। इससे पहले भी मैंने बेबी मिटन्स, बेबी फ्रॉक एंड बेबी झबले की बहुत सी ऐसी अमेजिंग वीडियोस बनाई हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट। अब हम फैब्रिक को राइट साइड पे कर लेंगे और राइट साइड पे करने के बाद अब हम इसे कुछ हाफ में फोल्ड करके इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर से पकड़ के इसे कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। ध्यान से आप इसे यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से मैंने इसे फोल्ड किया है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। इसे अंदर की तरफ से फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको भी बिल्कुल इस तरीके से कर लेना है। और अब जो हमने पहले कैप बनाई थी उसे हम इस बैंड के अंदर कुछ इस तरीके से रखेंगे और इसी तरीके से हमें पूरा राउंड स्टिच कर लेना है। मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड भी एक चैनल है जिसका नाम है आर्ट आमिना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो काइंडली चेक आउट दैट चैनल एज वेल। आई विल बी रियली हैप्पी इफ़ यू अप्रिशिएट माय वर्क। सो अपने प्यारे प्यारे से ब्यूटीफुल से कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। स्टिच करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करना है एंड आवर बेबी कैप इज ऑलमोस्ट रेडी। अब हम इसके ऊपर के पोर्शन में एक नॉट बना देंगे। नॉट हमने बना ली है एंड फाइनली आवर बेबी कैप इज रेडी। आप देख सकते हैं हमारी बेबी कैप कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। सो आप भी अपने लव्ड वंस के लिए इसे ज़रूर ट्राई कीजिए एंड अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसे बना सके। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मस्ट चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स।